दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि बड़े बड़े फिजिसिस्ट हमेशा डायमेंशंस यानी कि आयामों की ही बात क्यों करते रहते हैं? आखिर ये आयाम होते क्या हैं और ये फिजिक्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, और क्या है इस ब्रह्मांड में मौजूद 11 आयामों यानी कि 11 डायमेंशंस का रहस्य? ऐसा माना जाता है कि इंसानों की तरह इस ब्रह्मांड में, या कहें कि इस अनंत ब्रह्मांड में, ऐसे कई सारी सभ्यताएं हैं जिनमें से कुछ हमसे विकास के मामले में पिछड़ी हुई होगी, तो वहीं पर कुछ हमसे कई गुना आधुनिक होंगी। पर इस अनंत ब्रह्मांड में हर एक सभ्यता के विकास का पैमाना आखिर होता क्या है? फिजिक्स की भाषा में अगर हम लोग कहें तो किसी भी यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की आधुनिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वह कितने आयामों के ऊपर काबू पा चुकी है। वैसे तो डायमेंशन कोऑर्डिनेट के एक सबसेट को कहते हैं, लेकिन जब इन्हीं डायमेंशंस को स्पेस में इंक्लूड किया जाता है तो यह हर एक सभ्यता को एक अद्वितीय ताकत दे देती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस अनंत ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 11 आयाम मौजूद है, जिसका मतलब कि इन्हीं 11 डायमेंशंस के आधार पर ऐसी कई सभ्यताएं मौजूद होंगी जिनके पास पूरे ब्रह्मांड पर काबू पाने की शक्तियां उपस्थित होंगी। तो चलिए जानते हैं उन 11 आयामों से मिलने वाली ताकत के बारे में। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक, और चलिए पता लगाते हैं कि गॉड आखिर किस डायमेंशंस में रहते होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली 3 डायमेंशन से, यानी कि 1D, 2D और 3D। ये सभी वो स्ट्रक्चरल डायमेंशंस होती है जो किसी दुनिया के स्ट्रक्चर को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, 1 डायमेंशन में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वह 2 कोऑर्डिनेट्स किसी लीनियर पाथ तक ही सीमित होते हैं। दूसरे डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स की संख्या बढ़ जाती है और इस आयाम में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले आयाम में जो लीनियर पाथ मूवमेंट के लिए इकलौता सीमित दायरा हुआ करता था, अब उसी दायरे में वृद्धि होती है और ये कोऑर्डिनेट्स हमें लेफ्ट और राइट मूवमेंट के अलाउंस भी देते हैं। और फाइनली तीसरा डायमेंशन, जिसमें हम इंसान आते हैं, यह हर दिशा में हमें मूवमेंट करने की आज़ादी देती है और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम भी इसी डायमेंशन में मिलती है। बेसिकली इस डायमेंशन में एक स्वतंत्र सभ्यता यानी कि एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन जन्म लेती है, जिसका ढांचा इस हद तक पर्याप्त होता है कि वह अपना जीवन यापन कर सके, और इसमें कुल मिलाकर 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पर यह तो थे केवल स्ट्रक्चरल डायमेंशंस, यानी कि वह आयाम जिन्होंने हम इंसानों को या किसी भी सभ्यता को आकार देने में सहायता की है। पर अब बात करते हैं उन आयामों की जो इसी साधारण सभ्यता को असाधारण शक्तियां देकर उन्हें किसी देवता के समान बनाने में सहायता करती है। शुरुआत करते हैं हमारे 4th आयाम से। पहले के वैज्ञानिक काफी सीमित तौर पर यह सोचा करते थे कि हमारी दुनिया में सिर्फ 3 आयाम ही मौजूद है, पर जब आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा, तब लोगों को समझ में आया कि यह ब्रह्मांड उतना सीमित नहीं है जितना कि हम लोग इसे समझते थे। और तब से अलग अलग आयामों की खोज शुरू की गई और हमारे सामने समय के साथ साथ 11 आयाम रखे गए, जिनमें से 4th आयाम के बारे में आइंस्टाइन ने ही हम सबको बताया था। वो 4th आयाम था समय यानी कि टाइम। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, पर समय इकलौती ऐसी चीज है जिसका प्रवाह कभी भी नहीं रुकता। और समय के 4th आयाम होने का मतलब यह है कि शायद कोई सभ्यता ऐसी भी उपस्थित होगी जिसने समय को अपनी मुट्ठी में रखा होगा। पर 4D सिविलाइजेशन, या कहें कि 4th आयाम की सभ्यता, समय को अपने काबू में कभी नहीं कर सकती। फिजिक्स की माने तो 4th आयाम में कुल मिलाकर 16 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इसमें रहने वाली सभ्यता के पास सिर्फ और सिर्फ समय में आगे और पीछे देखने की शक्ति होती है, पर उस समय के साथ छेड़छाड़ करने की नहीं। फिजिक्स के हिसाब से इस आयाम की सभ्यता आगे आने वाले भविष्य को देख तो सकती है, पर उसे बदल नहीं सकती, और यही हाल इसके साथ अतीत का भी है। इस डायमेंशन में रहने वाले लोग अपने अतीत में जितना पीछे हो सके उतना पीछे देख सकते हैं, पर उस अतीत के साथ भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर जरा सोच कर देखिए कि किसी सभ्यता के पास वक्त में आगे या पीछे देखने की ताकत है जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती है। ये ताकत भी उसे किसी से कम नहीं बनाती, क्योंकि वह जानती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के नजरिए में 4th आयाम समय तो बहुत ही मामूली था, जिसको हर कोई बड़ी आसानी से समझ गया। पर 5वें आयाम को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 5वां आयाम होता है पैरेलल यूनिवर्स।
क्वांटम फिजिक्स, श्रोडिंगर्स कैट, मल्टीवर्स और ऐसी तमाम वीडियोस आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, पर वो सभी हिस्सा है पांचवे आयाम का। अगर आपने हमारा मल्टीवर्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि एक पैरेलल यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और उससे आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि यह सभी यूनिवर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसी इंटरकनेक्टिविटी के कारण पैरेलल यूनिवर्स को फिफ्थ डायमेंशन का खिताब भी दिया गया है। फिजिसिस्ट्स के अनुसार पांचवें आयाम की सभ्यता के जीव पैरेलल यूनिवर्स में देखने और वहां की गतिविधियों पर गौर करने में सक्षम होते हैं। पर यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि पांचवें आयाम की सभ्यता पैरेलल यूनिवर्स को केवल ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी कि सपोज कीजिए, अगर मैं पांचवें आयाम का बन जाऊं और मेरे सामने ही मेरा ही कोई दूसरा रूप करोड़पति बना घूम रहा होगा, तो मैं ना तो उससे जाकर बात कर सकता हूं और ना ही उसकी जिंदगी में कोई छेड़छाड़ कर सकता हूं। मैं बस एक वॉचर बनके किसी रियल वर्ल्ड स्टोरी लाइन को देखने तक ही सीमित रह पाऊंगा और उनमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह करने की मेरी काबिलियत ही नहीं होगी। दोस्तों, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हम इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs या NITs से अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको IITG एंड NEET में टॉप करना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कॉम्पिटिशन भी काफी टफ रहता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी हो सके उतना ही जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अनअकैडमी आपकी यही प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसके डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। अगर आप क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं एंड 2 इयर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस IIT या NEET परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई यानी कि क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस क्लास 11 प्लस क्लास 12 एंड 2 इयर्स का एक्स्ट्रा IIT या NEET का पढ़ाई भी सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं एंड 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 10 प्लस क्लास 11 प्लस IIT NEET परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई यानी कि क्लास 10 प्लस क्लास 11 प्लस क्लास 12 प्लस ड्रॉप ईयर एंड 2 ईयर का एक्स्ट्रा IIT NEET का पढ़ाई सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है एंड मेरा तो ये मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। प्लस अनअकैडमी हमारी अंतरिक्ष टीवी फैमिली को एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी देगा अगर आप मेरे कोड ATV10 को यूज करोगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो एंड मेरे कोड ATV10 को यूज करो फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। छठवां आयाम हमें ताकत देता है टाइम ट्रैवल की। टाइम ट्रैवल हमेशा से ही हम सभी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट रहा है। वैसे तो हम लोगों ने काफी सारे पैराडॉक्सेस बना दिए हैं जिनसे टाइम ट्रैवल को एक कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल केस घोषित किया जाता है, पर फिजिक्स के डायमेंशन वाले सेक्शन में टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल है। इस आयाम में कुल मिलाकर 64 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि छठे आयाम में आप अपनी टाइमलाइन में आगे और पीछे जाकर कुछ छेड़छाड़ करने की काबिलियत भी पा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इससे नई टाइमलाइंस के क्रिएट होने का भी डर होता है, पर इसी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कुछ जाने माने फिजिक्स थियोरिस्ट ये कहते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में घटी थी वह किसी न किसी तरह से घट ही जाती है। सच बताऊं तो टाइम ट्रैवल इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि इसके बारे में हमें आपको एक सेपरेट वीडियो में ही समझाना होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि हम लोग टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग और धमाकेदार सरप्राइज आपके लिए लाने वाले हैं, जिसके अनाउंसमेंट हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और तब तक अगले आयामों की काबिलियत के बारे में जानिए। 128 मैथमेटिकल पॉइंट से बने सातवें आयाम में आने के बाद जीवों के पास यह ताकत आ जाती है कि वह सभी पैरेलल यूनिवर्स में खुलेआम घूम सके। हम इंसान जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच बड़ी ही आसानी से घूम पाते हैं और एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में भी मामूली कठिनाइयों का सामना करके पहुंच ही जाते हैं, ठीक उसी
इसी तरह सातवीं आयाम में रहने वाली सभ्यता के जीव एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स तक जाने के काबिल होते हैं। अब या तो इनके पास कोई इस तरह का डिवाइस होता है या फिर उनके पास कोई और शक्ति होती है। अब चाहे जैसे भी हो, पर वह इस मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं जब ये सारे पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करने योग्य बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि यह सब आपको किसी फिक्शनल मूवी की तरह लग रहा होगा, बट एक्चुअली में अगर आप इंटरनेट पर सेवेंथ डायमेंशन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट और भी डीपली समझ में आने लगेंगे। लेकिन असली ताकत तो आपके पास आठवें आयाम यानी कि एट्थ डायमेंशन में आएगी, क्योंकि आठवें आयाम में आप मास्टर ऑफ ऑल सेवन डायमेंशन बन जाते हैं। इस आयाम में प्रवेश करते ही आप पिछले सातों आयाम को अपने काबू में कर सकते हो, और इससे हमारा मतलब यह भी है कि आप किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर छेड़छाड़ भी कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सातवें आयाम में प्रवेश करते ही हम सिर्फ पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में यात्रा कर सकते थे, पर वहां पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब आप एट्थ डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं तब आप किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपनी मनपसंद हरकतें कर सकते हैं। बट जब वैज्ञानिकों ने इस आयाम के बारे में थोड़ी और शोध की तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि मैथमेटिकली इस डायमेंशन में आपकी इस पावर को भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें से एक लिमिटेशन ये है कि आप उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का बदलाव तभी कर सकते हैं अगर आपके ओरिजिनल यूनिवर्स और उस पैरेलल यूनिवर्स का टाइम सेम हो। हाई लेवल मैथमेटिक्स में डायमेंशंस को हम लोग ग्रिड्स के रूप में ज़्यादा अच्छे से कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लोग प्योर साइंस की भाषा में कहें तो अगर आपका टाइम ग्रिड उस पैरेलल यूनिवर्स के टाइम ग्रिड से बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ तो ऐसी किसी सिचुएशन में ही आप उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का चेंजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन बाधा के साथ किसी भी चीज़ को करने में वह मज़ा नहीं आता, और आपकी यही बाधा हट जाती है हमारे नौवे आयाम में। नाइन्थ डायमेंशन में आप अपने किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं, चाहे वहां पर कोई भी टाइम क्यों ना चल रहा हो। यानी कि जैसे आपने अपनी सुपर हीरो मूवीज में देखा है, ठीक उसी तरह इस आयाम में आप किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर बदलाव करने के बाद वहां से वापस सही सलामत आ जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वास्तविकता के दायरे में यह बात इतनी सुकून देने वाली नहीं है, और इस आयाम में भी आपके बदलाव की एक कीमत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि नौवे आयाम को हासिल करने के बावजूद अगर आप किसी तरह पैरेलल यूनिवर्स में कोई बदलाव करेंगे तो उसका असर आपको अपनी टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दूसरे टाइमलाइन में जाकर अपने ही किसी रूप को घायल कर दिया तो उसका असर आपकी टाइमलाइन में भी दिखेगा, जिसका मतलब यह है कि आप भी घायल हो जाएंगे। नाइन्थ डायमेंशन को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस में से एक कहा जाता है। इस आयाम में भले ही आप अपने किसी दूसरे रूप की जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी बदल सकते हो, पर आपका किया हुआ कर्म आप तक दोबारा जरूर आएगा, फिर चाहे श्राप बनकर आए या फिर वरदान बनकर, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा चेंजमेंट किया होगा। और फिर अंततः दसवां आयाम, जिसे भगवानों का आयाम कहा जाता है। मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या भगवान असलियत में होते हैं, और अगर मैं विज्ञान की भाषा में इस सवाल का जवाब दूं तो मैं ये कहूंगा कि दसवें आयाम के लोग ही विज्ञान की भाषा में भगवान कहे जाते हैं। इनके पास वो हर एक शक्ति होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह किसी भी समय रेखा में आगे या पीछे जाकर अपना मन पसंद बदलाव कर सकते हैं, और उन्हें उसका कोई भी हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी समय रेखाओं से परे हैं। इस आयाम के लोग इस ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से परे होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि को इस आयाम के लोग बहुत ही आसानी से बना या बिगाड़ सकते हैं। ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का अतीत बदल सकते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बना सकते हैं। इस आयाम के लोगों के लिए समय की कोई वैल्यू नहीं होती है, और यह सांस्कारिक जीवन की हर एक बाध्यता यानी कि ट्रेडिशनल लाइफ में आने वाले लिमिटेशन से परे होते हैं। और चूंकि इनके लिए समय भी मायने नहीं रखता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह अमर होते हैं। पर हम लोगों ने तो 10 आयामों में ही इस पूरे संसार की शक्तियां सम्मिलित कर ली, तो इस 11वें आयाम में आखिर होता क्या है?
वेल, इस सवाल का जवाब तो किसी को भी नहीं पता। वैज्ञानिक 11 आयाम के कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर कोई भी डिटेल सामने नहीं रख पाते हैं और ऐसे में उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता है और यह है द क्रिएटर का। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इस ब्रह्मांड और दुनिया भर के सभी ब्रह्मांडों के रचयिता कौन है और अगर यह सब किसी सिंगुलैरिटी से आया है तो आखिर उन सब की शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर वो सिंगुलैरिटी वहां पर आई कैसे थी। 11वां आयाम वह आयाम है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता लेकिन उसकी पुष्टि सुनिश्चित है और उस आयाम तक जो कोई भी सभ्यता पहुंची होगी असल मायनों में उन्हीं के कारण ब्रह्मांड और इस अनंत ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सभी 11 डायमेंशंस के बारे में बताया जिसमें आपको हमारे ब्रह्मांड से संबंधित कई अनकहे अनसुलझे रहस्यों और कहानियों के बारे में पता चला। अब आप इनमें से कौन से आयाम में जाना चाहते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।